सी दूरी मिटा करके मेरा हम आएंगे सी दूर मिटा करके जाने चले गई तो महारानी बाछल मी दुल्हनी बनी पिया की थी हरी राती बसने को बाकी थी जलता दीप को जा करके जाने चले गए तो कहाँ गए स्वामी अब कहाँ चले गए महाराज रोने लगी मैया अरे निरमोही पिया छोड़े चले गए हमको निरमोही पिया छोड़े चले गए हमको अरे निरमोही पिया छोड़े चले गए हमको अरे निरमोही पिया छोड़े चले गए हमको अरे तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा तुम मेरे नाथ सर्व सुख देवा हरी हरदम करी मैंने तुम्हारी सेवा हरदम करी मैंने तुम्हारी सेवा और तुमने धोखा दिया छोड़ चले गए हमको अरे तुमने धोखा दिया छोड़ चले गए हमको अरे तेरा कोई स्वामी मेरे कैसे रहूंगी तुम बिन स्वामी मैं कैसे रहूंगी जीवन के दुख कैसे सहूंगी जीवन के दुख कैसे सहूंगी अब मेरो धड़क जिया छोड़ चले गए हमको अरे तुमने धोखा दिया छोड़ चले गए हमको अरे मेरो धड़क उसी समय महारानी वाचल महाराज जेवर सिंह को ढूंढ रही हैं कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं लेकिन भक्तों जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है उसी गजरी वन में गुरु गोरखनाथ महाराज अपने 2800 चेलाओं की जमात के साथ तपस्या कर रहे थे गुरु गोरखनाथ के 2800 चेला थे जिसमें 1400 गुप्त और 1400 प्रगट महारानी वाचिल के रोने की आवाज गुरु गोरखनाथ के कानों में पड़ जाती है आज एकदम से समाधि खुल जाती है गुरु गोरखनाथ महाराज की अपने चेला ओगणनाथ को बुलाया बेटा ओगणनाथ मेरे पास आइए एक काम कीजिए इस जंगल में किसी मैया के रोने की आवाज आ रही है जाइए देख करके आइए आधी रात के समय ये कौन मैया और इस तरह से जंगल में रो रही है गुरु गोरखनाथ के चेला ओगणनाथ बोले महाराज ये संसार है जरा सा दुख अगर व्यक्ति पर आ जाए तो रोते रोते भगवान को भी कोसने लगता है और अगर भगवान ही उसके लिए सुख कर दे
तो फिर भगवान को ही भूल जाता है। इसलिए महाराज ये संसार है, जो कर रहा है उसे करने दीजिए महाराज, आप अपनी तपस्या में लीन रहिए। गुरु गोरखनाथ बोले हैं, बेटा संतों का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं होता कि केवल खाना और भजन करना। अरे संत महात्मा, महात्मा उसी को कहते हैं जिसकी महान आत्मा होती है। संतत्व का मतलब यही है, किसी के दुख में दुखी हो जाना और सुख में सुखी हो जाना। बेटा एक करोड़ भरी आवाज, मेरे लिए भजन नहीं करने दे रही, इसलिए जाइए और देख करके आइए, आ जाओ गणनाथ चले। पहुंच जाते हैं जहां महारानी बाछिल रो रही हैं, जाकर के महारानी बाछिल से ओगड़नाथ बोले हैं, मैया ओ मैया। आज जैसे ही महारानी बाछिल ने आवाज सुनी ओगड़नाथ की, डूबते कुत्ते के का सहारा मिल जाता है। एकदम से ओगड़नाथ से बोली है, बाबा आपने मेरे पति को जरूर देखा होगा, आप ही बताइए इस जंगल में आप और मेरे पति भी इस जंगल में मेरे से जुदा हो गए, क्या आपने देखा उनके लिए? आज भक्तों ओगड़नाथ बोले हैं, मैया आप कौन हो? तुम्हारे जंगल में रोने का कारण मैं अभी समझ नहीं पाया। महारानी वाशिल ने सारा वृतांत बताया, सुनकर के ओगड़नाथ बोले हैं, मैया हमने तुम्हारे पति को नहीं देखा, यहां से कुछ ही दूरी पर हमारे गुरु गोरखनाथ महाराज तपस्या कर रहे हैं, आप चलिए और गुरु से तुम्हें मिला देंगे, शायद है उन्होंने तुम्हारे पति को जरूर देखा होगा। आज भक्तों उसी समय महारानी वाचल ओगड़नाथ के साथ वही पहुंच जाती हैं जहां गुरु गोरखनाथ महाराज उच्च आसन पर बैठे हुए हैं। जाकर के महारानी वाचल ने सर को नवा दिया और गुरु गोरखनाथ के चरणों में सर रख करके महारानी वाचल रो करके बोली है, हरे आई हूं मैं शरण तुम्हारी, हरे बाबा कल्याण करो ना, और मैं निर्भागिन दुखियारी, बाबा क्यों मेरा दुख हरो ना, क्या बोली है राधे श्याम भैया, क्या आई हूं मैं सरल तुम्हारी, अरे बाबा कल्याण करो ना, मैं निर्भागिन दुखियारी, बाबा क्यों मेरा दुख हरो ना। आज रो रो करके महारानी वाचल सारी व्यथा को बताने लगी, पति मेरे और मैं इस पल में हरे करनी तपस्या आए, छोड़ चले गए प्रीतम प्यारे जाने कहां को वो तो सिधाए, छोड़ चले गए प्रीतम प्यारे अबुलिया सहारा तुम्हारा बाबा, हे रे 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 रे, अरे लिया सहारा तुम्हारा बाबा, मेरी नैया पार करो ना, मैं निर्भागिन दुखियारी बाबा।
महारानी वाचल। अरे नाम की खातिरी बागी लगाया बाबा सूखा बाग हमारा, और बाग सूख गया कुआ सूख गया सूखा ताल हमारा। अरे बाग सूख गया कुआ सूख गया सूखा ताल हमारा। और अरे पी दुखियारी जन्म जन्म की कृपा करो ना, मैं दुखियार ने निर्भाग ने बाबा क्यों मेरा दुखियार होना। अरे मैं बाबा बाबा मेरा कष्ट दुखियारी बाबा क्यों मेरा दुख हरोना। ये है निर्भाग दुखियारी बाबा मेरा कष्ट हरोना। आज महारानी वाचल रो रो करके गुरु गोरखनाथ के चरणों में और अपनी अर्जी को सुनाने लगी। उसी समय भक्तों गुरु गोरखनाथ बोले, हे मैया मैं समझ गया तुम्हारे पर दुख का पहाड़ है। गुरु गोरखनाथ ने मैया के कर्म भाग्य को नहीं देखा, उसके दुख को देख करके एकदम से बोले हैं गुरु गोरखनाथ, मैया मैं तुम्हारे दुख के लिए और बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं, आप एक काम कीजिए अपने ददरी डबा नगर को वापस जाइए और जाकर के भगवान भोले के नाम का जप कीजिए, किसी दिन गोरखनाथ तुम्हारे बागों में आएंगे, तुम्हारे बागों को हरा भरा बनाएंगे और महारानी तुम्हारी गुच्छा का दाग छुड़ाएंगे। आज जब ये कहा तो महारानी वाचल बोली, बाबा अरे मुझे लगता है संसार में सब झूठा चले गए, अभी तुम ही बाकी बचे हो। गोरखनाथ बोले हैं, क्यों मैया? अरे बाबा मैंने अपने महलों में बड़े बड़े ज्योतिषी ब्राह्मण बड़े बड़े तांत्रिक बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलवाया, जय हो, उनकी वेद पत्राओं को खुलवाया, अपने कर्म भाग्य को दिखवाया, लेकिन आज तक किसी ने यही नहीं बताया कि मैया तुझे संतान प्राप्त होगी। जिसने भी कहा यही कहा, एक जन्म क्या तेरे भाग्य में तो सात जन्म तक संतान नहीं है। अब तो गुरु गोरखनाथ ने जब ध्यान धर के देखा महारानी वाचल के तो भाग्य में कोई संतान ही नहीं है। आज गुरु गोरखनाथ बोले हैं, मैया तुम्हारे भाग्य में संतान वास्तविक ही नहीं है, लेकिन जो मैंने कह दिया वो कह दिया, क्योंकि बंदूक से निकली हुई गोली और संत के मुख से निकली हुई बोली कभी वापस नहीं होती। चाहे मुझे स्वयं अवतार लेकर के तेरे उधर से जन्म लेना पड़े, लेकिन मैया तेरा कलोकाल में नाम चलाकर रहूंगा। जय हो। और बताया भी है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया, रे अर्जुन कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर कीली का। हो मेरा दिया हुआ बचन निष्फल हो सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ बचन मैं कभी निष्फल नहीं होने देता हूं। इसलिए मैया जो हमने कह दिया वो कह दिया। महारानी वाचल बोली, महाराज
आपके कहने पर मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं पति के दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक नहीं जाऊंगी। गुरु गोरखनाथ बोले, हे मैया, तुम्हारे पति संसार में मौजूद हैं, इस समय वो दंडक वन में कठिन तपस्या के लिए कर रहे हैं। अगर आपने उनकी तपस्या को देख लिया तो आप अपने आंसुओं को डांट नहीं पाओगे, और आपके आंखों से अगर आंसू निकल गया तो उनकी की हुई तपस्या पर पानी फिर जाएगा। महारानी वाचल बोली, महाराज, मैं अपने आंसुओं को डांट लूंगी लेकिन बिना पति के दर्शन के नहीं जाऊंगी। गुरु गोरखनाथ बोले, नहीं मैया, आप मान जाइए। महारानी वाचल बोली, तुम्हारे चरणों में प्राणों को त्याग दूंगी लेकिन बिना पति के दर्शन के हिलूंगी भी नहीं यहां से। आज जब ये कहा है, गुरु गोरखनाथ अपनी माया के लिए घुमाते हैं, अपनी योग शक्ति के द्वारा महारानी वाचल को महाराज जेवर सिंह के दर्शन कराते हैं। महारानी वाचल ने जब ये देखा, महाराज जेवर सिंह कठिन तपस्या कर रहे हैं, नीचे अग्नि प्रज्वलित कर ली है, पेड़ पर उल्टे लटके हैं, शरीर से रक्त निकाल निकाल कर उस हवन में चढ़ा रहे हैं, आंसुओं को नहीं डांट पाई। आज महारानी वाचल रो पड़ी। गुरु गोरखनाथ ने अपनी माया के लिए घुमा दिया। महारानी वाचल से कहा, मैया, आपने नहीं माना, अब एक काम कीजिए, जाइए अपने ददरे वानगर के लिए। महारानी वाचल ने उसी कजरी वन में गुरु गोरखनाथ से गुरुमंत्र लिया है, गुरु स्वीकार किया है, और गुरु सबको ही बनाने चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के बनाए हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे भक्ति करें, चाहे कोई दान करें, कोई भी धर्म कार्य करें, वो हमारा सार्थक नहीं होता है। बताया है, बिना गुरु भवन दो तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा विष्णु के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सही है। बताया है,